आज चार राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र में पेचीदा अंकगणित के बीच AIMIM ने शिवसेना नीत गठबंधन सरकार के प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी के समर्थन का ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि वह भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी का समर्थन करेगी। AIMIM की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में महाविकास अघाड़ी को वोट देगी। हमारे दो विधायकों को कांग्रेस प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी को वोट देने को कहा गया है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव है। संख्या बल की दृष्टि से यहां भाजपा एक सीट ही जीत सकती है। हालांकि महाविकास अघाड़ी में फूट की संभावना और बड़ी संख्या में निर्दलीय विधायक होने के कारण भाजपा ने यहां दूसरा उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। दूसरी ओर NCP और कांग्रेस ने एक एक तो शिवसेना ने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं। ऐसे में 6ठी सीट पर पेच फंस गया है। इस सीट पर निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करने वालों को ही सफलता मिलेगी। जलील महाराज की औरंगाबाद से सांसद है। उन्होंने शुक्रवार सुबह राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले पार्टी के फैसले का ऐलान किया। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा में ओबीसी की पार्टी के 2 विधायक हैं। हमारी विचारधारा शिवसेना से अलग व नहीं रहेगी, जो अघाड़ी में कांग्रेस और NCP के साथ गठबंधन में है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे 2 विधायक कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को वोट करेंगे। जलील के अनुसार हमारी पार्टी ने MVA सरकार के समक्ष भुले और मालेगांव दोनों विधानसभा सीटों के विकास की शर्त रखी है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के अल्पसंख्यक के सदस्य नियुक्त करने और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की आय बढ़ाने की भी मांग की है। एक शर्त मुसलमानों को आरक्षण देने की है। AIMIM के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष और औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील ने शुक्रवार को मतदान से पहले अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट थ्रेड में बताया कि BJP को हराने के लिए हमारी पार्टी ने महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को वोट देने का फैसला किया है। सांसद इम्तियाज जलील ने कहा, हालांकि शिवसेना के साथ हमारे राजनीतिक वैचारिक मतभेद जारी रहेंगे, जो कांग्रेस और राकंपा के साथ MBA में भागीदार हैं। हमने धुलिया और मालेगांव के विकास संबंधित कुछ शर्तें रखी हैं। साथ ही सरकार में MPSC में अल्पसंख्यक सदस्य नियुक्त करने और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की आय बढ़ाने के लिए कदम उठाने की मांग की है। इसके अतिरिक्त मुसलमानों के लिए आरक्षण की भी मांग है। हमारे 2 विधायकों को राज्यसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी को वोट देने के लिए कहा गया है। हम उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान होगा। 2 दशक से अधिक समय में पहली बार 7 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। सत्तारूढ़ शिवसेना ने 2 उम्मीदवार संजय राउत और संजय पवार को मैदान में उठाया है। विपक्षी भाजपा ने 3 उम्मीदवारों को उतारा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महातिक। सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने एक एक उम्मीदवार प्रफुल्ल पटेल और इमरान प्रतापगढ़ी को नामित किया है। amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।